जनता को किसी की जात से मतलब नहीं है, किसी के धर्म से मतलब नहीं है, जनता को मतलब है रोटी से, जनता को मतलब है नौकरी से, जनता को मतलब है व्यवस्था से। हैदराबाद वाला कांड सुने थे, लड़की का बलात्कार हुआ था, ठोक दिए 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं वहां पे। उस एक घटना से हैदराबाद का नाम बाहर कितना खराब होता, उनको अपने इन्वेस्टरों की चिंता है। तुम हैदराबाद चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, दो दो तीन दिन बजे रात तक लड़कियां टहलती हैं, टच कर ले कोई। अहमदाबाद जाओ, ये चाहिए स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट, पैसा। किसी की हिम्मत पड़ रही है सड़क पे आ जाए? किसी की हिम्मत देखो, किसी की, कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा के खिलाफ कुछ बोलने। बाबा संविधान क्या है? संविधान, बोले बाबा जी संविधान, संविधान बोले बाबा जी लखनऊ में प्रोटेस्ट कर, मारो इनको पटक। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में पब्लिक के सामने कि कम से कम हमारा एनकाउंटर नहीं होगा। हो गया? अरे वो बैठा के चार बार गाड़ी पलटे सब, चार सौ पचास एनकाउंटर हुआ था एक साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी में बैठते कहा, आज जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, एक साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जरूरी भी था बाबा भी। देखो नेचर क्या है ना, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहां थूकना मना है वही थूकेंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह चला सकते हैं? कभी ना चला पाएंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते, इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। बाबा हाँ, ये गा गा बार बार कह रहा था, गा गा गाली देने वाला है, मां ढालू। और सुशांत तुम सिर्फ चार बार गा कह दो और लोग जाके बता दें कि बाबा ये चार बार गा बोला, ओ ऐसा लग रहा है कि ये गाली देने का प्रयत्न कर रहा था। हाँ बोले तो ठीक है, इतना कौन सा सोचना, मां ढालू। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने, देखो इस देश की अर्थव्यवस्था में तो पहले से ही आग लगी हुई थी, कोई इनके आने से नहीं लगी। इनका दुर्भाग्य यह था कि जब ये सत्ता में आए तो कोरोना आ गया। ये जो आज परिस्थितियां बिगड़ी हैं वो इनकी वजह से नहीं बिगड़ी हैं, वो मूलतः बिगड़ी हैं इनकी खराब नीतियों के कारण से। जैसे डीमोनेटाइजेशन गलत समय पर कर दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, इन्होंने सोचा दो साल में इकोनॉमी को हम रिकवर करा ले जाएंगे। ये रिकवर कराते उससे पहले कोरोना आ गया, तुगलक वाला काम हो गया, ये बेचारे अपने ही जाल में फंस गए। एक साल भारत पूरी तरह से बंद हो गया, पहला लॉकडाउन जब हुआ था। अब तो सरकार लॉकडाउन कर ही नहीं सकती। अब अगर सरकार लॉकडाउन कर देना पहला वाला, तो समझ लो सिविल वॉर शुरू हो जाए, लोग मार डालेंगे एक दूसरे को, खाने को नहीं है। हमारे साथ एक भाई साहब रहते हैं, तो वो योगी जी की गवर्नमेंट बनवा रहे हैं, तो मैं उनको छेड़ देता हूँ कभी कभी, कहता हूँ बीजेपी को 40 सीट मिल गया, आपको क्या पता है, अभी आपको अंदर की बात नहीं पता। मैंने कहा अंदर मतलब कहाँ अंदर? लेकिन ऐसा मैं बस मुझे मजा आता है। मैं जानता हूं ये चढ़ रहे हैं, तुमको मजा आता है। सरकार किसी की बने, हमको तो टेंडरवा मिलवे करेगा, क्योंकि हम अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। कौन सा रास्ता? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सिंपल, हम बाबा जी को जाके कोई फंडा बता देंगे तो लगा।
हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता किसी की भी सरकार को, काम तो लेंगे ही, नहीं लोगे तो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। साबित ही तो करना है कि तुम गलत हो। और शब्द बड़े प्यारी चीज होते हैं। तुमने किसी स्त्री से कहा आई लव यू, ने तुम्हें एक चाटा मार दिया, तुमने कहा बहन की तरह कहा था। शब्द का सबसे प्यारा पहलू यह है कि उसको किसी भी तरह से सिद्ध किया जा सकता है। जो बहुत बड़े बड़े लॉजिशियन होते हैं ना, वो किसी भी चीज को प्रूव कर देते हैं। 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ संत आचार्य रजनीश ओशो, वो किसी भी चीज को सिद्ध कर देता था। एक दिन प्रवचन देता था कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, लोग बड़े खुश होते थे, कह रहे यार हम तो बाबा जी डेली पीते, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे दिन प्रवचन देता था कि शराब पीने वाले सिर्फ नर्क, और वो भी सिद्ध कर देता था। पिछले दिन वाले बड़े दुखी हो जाते कि यार कल तो तुमने कहा था, जो बोले कल दूसरा दिन था, दूसरा दिन। बड़े फेमस नेता है यूपी के, हमसे क्या चुनाव लड़ जाओ इस बार, हमने कहा मैं ना लड़ूंगा, हमको गाली देना है लोगों को। हमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लिए काम करें और तुम्हारा पैर छुएं, गांव गांव जाके तुमसे वोट मांगे, भैया हमको वोट दे दो, भाड़ में जाओ तुम, वो गरियाएंगे। जिस गांव में जाएंगे पहले गरियाएंगे, काट डालेंगे साले वोट नहीं दोगे तो, और तब तुम उनको वोट दोगे नहीं। तुम्हारा सबका ईगो जाग जाएगा, यार इतना बदतमीज है, बताओ इलेक्शन से पहले गाली दे रहा। हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, हम गाली देंगे। अब अगर वो नेहा सिंह राठौर कह रही है कोई बात तो उसको सुनना है। हाँ वो थोड़ा आधा से कह रही है, ये अलग बात है, चिढ़ा के कह रही है, ए बाबा, उसकी आवाज में तंज है, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन गलत कहां कह रही है।